क्या हालत है सिविल अस्पताल की? यहाँ सिविल अस्पताल की कोई हालत नहीं है, बेकार है। अगर मरीज़ को दाखिल कराना होता है तो वो बोलते हैं कि भाई हम दाखिल नहीं करेंगे। अब इनके आँख का ऑपरेशन करवाना है तो ये बोले कि आप बाहर से करवा लो। डॉक्टर कितनी बारी देखने आते हैं? डॉक्टर आते एक दो बारी आते चक्कर के चले जाते हैं बस। हाँ जी, ज़्यादा दो बारी तीन बारी पूछते बस चले जाते हैं। आज क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं सर क्यों नहीं हो रहा, गरीब घर के साथ नहीं हो रहा। मेरे पास एक रुपया नहीं कस्में देने के लिए, आपको बताऊं बच्चों को खाने के लिए नहीं है, तो मैं इलाज कहाँ से बताओ कर। रात दे आए हुए हैं, कोई पूछ नहीं दस नहीं, इतने पागलों तरह बैठे हैं। सुविधाएं हैं जी, देखो उन्होंने बांह टुटी है रात की, इतने लैके घूम रहे हैं अभी, उस तो पहला कोई नहीं चेक कर रहे, जो असी क्या तो फिर जाके उन्होंने टीके टूके लगाए उन्होंने। सत श्री अकाल, लुधियाना टाइम देख रहे हो तुम तो मैं हाँ सुजल तमन, अज खड़े हाँ लुधियाने के सिविल अस्पताल दे विच, सरकारी होस्पिटल है जिथे कि लोगों को फैसिलिटीज़ देने दे दावे किए जाते हैं, जिथे लोग घट पैसों के फ्री एक तरीके का फ्री काम करवा आते हैं, पर उस सिविल हस्पताल की हालत की है अज देखते हैं। आओ जो कैमरामैन गुजारिश करूँगा एक बार दिखा दिता जाए कि इस सिविल हस्पताल के झाड़ू लगे न भी घट्टो घट नहीं 10-15 दिन तो उपर हो चुके हैं। यह सिविल हस्पताल है जिथे लोग दूरों दूरों आ के इलाज करवाते हैं, तो इस सिविल हस्पताल झाड़ू तक जड़ा नहीं बजया होया। गल की जाती है वार्डस की, तो गल की जाती है मेल वार्ड फीमेल वार्डस, हड्डियों के डॉक्टर हर एक तरीके के डॉक्टर इतने मौजूद ने। हालत तुसी देख सकते हो इस सिविल होस्पिटल दी की है, दूरों दूरों लोग स्पैशल सिविल होस्पिटल आते ने अपना इलाज करवाने के इस सिविल हस्पताल दे विच, जो कि है इलाज साडा मुफ्त हो जाएगा ते साडे पैसे जो कि ने घट लगनगे। मगर इस सिविल हस्पताल दी हालत तुसी देख सकते हो कि इस सिविल हस्पताल दी हालत है। होर भी अगे तुहानू वार्ड्स की हालत भी दिखाने कि वार्ड्स की हालत किस तरीके की है, लोगों नाल गलबात भी करते हैं। क्या हालत है सिविल अस्पताल की? यहाँ सिविल अस्पताल की कोई हालत नहीं है, बेकार है। अगर मरीज़ को दाखिल कराना होता है तो वो बोलते हैं कि भाई हम दाखिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बोलते हैं हमारे बस का काम नहीं है। अब इनके आँख का ऑपरेशन करवाना है तो ये बोले कि आप बाहर से करवा लो। जब ये बना है लोगों की फैसिलिटी बना हुआ है, फिर यहाँ पर क्यों नहीं होता दाखिल? तो बोलते नहीं, ये हम नहीं करेंगे दाखिल। उनको बोलते कि बेड खाली करो। क्यों? बोलते हम दाखिल नहीं करेंगे, आप जाओ प्राइवेट में करो। ये क्या प्राइवेट का कोई डॉक्टर का नाम दिया किसी से? पहले इन्होंने चंडीगढ़ रेफर किया, तो अब वहाँ चंडीगढ़ से आगे वो डॉक्टर बोले कि जाओ वहाँ से, पहले उनको बोलो कि पैसे पूसे भरेंगे, तो जो नीचे मोहन सिंह है अपना सेवा वाले, उन्हें बोला कि पैसे पूछे हम चलो भर देंगे, कि आप जाओ डॉक्टर से लिखा के लेके आओ। तो इनको काम करना चाहिए ना? हाँ, इनको तो काम करना चाहिए, इनको भर्ती करना चाहिए, पर ये बोले हम भर्ती नहीं करेंगे। माता जी की फैसिलिटी मिल रही है इतने इदा पे हो जी सिविल अस्पताल चाहिए? इतने दो तरह जमाई है का। नहीं, इन्हों की सुविधा किस तरीके की? सिविल अस्पताल पहला नहीं सी, हूँ तो साफ सफाई हैगी है। वो तो देखी ही है जी सानू कैमरे च। हाँ जी, हूँ तो गया जी। नहीं, आप पानी चो रहे उपरों दे। अच्छा। हाँ जी, ते लीकेज दी समस्या क्यों सेट क्यों नहीं कीती फिर इन्होंने? हुणी आया। लोगों के विच किसी ना किसी चीज़ नू लैके डर है, और डर नहीं पता क्यों है, क्यों नहीं दसदे कि असल हालत की है। लोगों नाल गलबात भी करते हैं। किस तरीके की फैसिलिटी मिल रही है सर तुहानू? और सब ठीक है, बस पे बस और कोई चक्कर नहीं सकता। डॉक्टर कितनी बारी देखने आते हैं? डॉक्टर आते एक दो बारी आते चक्कर के चले जाते हैं बस। हाँ जी, ज़्यादा दो बार दो बारी तीन बारी पूछते बस चले जाते हैं। दवाई वगैरह किस तरीके देंगे? दवाई वगैरह दे देंगे जो कहने आते दे देंगे सर। अच्छा, मतलब उन्होंने खुद नहीं देनी थोड़ू? ना, आवाज़ मार दो, दर्द जिते आँदी है उन्होंने कह दीदा आ चीज़ दर्द हो रही है दे दो सर, दे देंगे। अच्छा। हाँ जी ब्रेक। सर बात ऐसी है, मैं 3 महीने से बहुत परेशान हूँ सर। 3 महीने से क्या बोलते हैं, एनजीओ वाले के पास गया था, उन्होंने बोला था अनमोल सर ने कि पीजी आया तो तुम्हारा इलाज होगा, ठीक है। वहाँ पे 1.5 महीना ऐसे रह के आया, ठीक है सर, कोई ना दवाई हुई ना कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फिर वहाँ से बोले थे
कि डॉक्टर लिखवा के लाओ कि लाओ। डॉक्टर ने 70,000 का खर्चा बताया था, उन्होंने बोला था चलो ठीक है। फिर बाद में 17 तारीख को वहाँ पे मोहित सर थे, वहाँ पे चंडीगढ़ जो एनजीओ वाले थे, बोलते जाओ ये 70,000 रुपये उससे अनमोल से इकट्ठा करके लाओ, फिर बाद में फ्री इलाज होगा सर। उसके बाद बड़ी दिक्कत परेशानी, जाने खाने पीने तक कुछ नहीं है। फिर सिविल में लेके आया था, अभी 15 दिन पहले फिर यहीं पर भर्ती कराया था। फिर जाने दर्द उर्द आज सुबह से फिर पेट में गैस बन गई। डॉक्टर देखने आते हैं? डॉक्टर ने रेफर कर दिया, जाने परसों रेफर कर दिया, बोलते आप फिर चंडीगढ़ जाओ सर, वहाँ पे मेरा लड़का भी चोरी हो गया था। इलाज क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं सर क्यों नहीं हो रहा, गरीब घर के साथ नहीं हो रहा। मेरे पास 1 रुपया नहीं कस्में देने के लिए, आपको बताऊँ बच्चों को खाने के लिए नहीं है, तो मैं इलाज कहाँ से बताओ करवाओ सर। सर मेरी घर वाले बहुत दिक्कत परेशानी है, उसकी टांगें बिल्कुल दोनों खट चुकी है। एक लड़का मेरा 7 साल के नीचे छोड़ के आए कि मेरा छोटा ये लड़का ये है। किस तरीके की सुविधा मिल रही थाने? कुछ नहीं इतने मिलता, कोई सुविधा नहीं है। क्यों की गल होगी? ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਭਾਅ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ 8 ਵਜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਵਾ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨਾ ਪੱਖਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਡੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ? ਰਾਤ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪਾਗਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਦੀ ਐਕਸਰਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ? ਸੁਵਿਧਾ ਇਹ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋ? ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਆ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਕੀ ਪਤਾ, ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਆ ਪੱਖੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾਖਲ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਤੱਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਵੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੀ ਅਕਸਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ 'ਚ ਅੱਜ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਜਲ ਤਮਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮ।